ओके गाइज, इसमें आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इजी वे से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको टोटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप लोगों ने किस तरह इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है और कौन सी बैंक्स हैं, कौन से ऐसे जो है डिजिटल ऐप्स हैं या डिजिटल बैंक हैं, बैंकिंग है जिसके ज़रिए आप लोग अपनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ये वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डेली के बेस पर मिलती रहे। ओके गाइज, यहाँ पर बता दूं कि इंटरनेट ट्रांजैक्शन है वो जो है ना दो किस्म की होती है। एक तो इंटरनेट ट्रांजैक्शन वो होती है जो कि आपकी अपनी की यूनिवर्सिटी की फीस दे रहे हैं, जो आपकी आउट ऑफ कंट्री है यूनिवर्सिटी, फॉरेन में यूनिवर्सिटी, उसकी आप पेमेंट करें तो वो भी आपकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में शुमार हो जाती है। एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ये होगी कि आप दराज से कोई चीज़ मंगवा रहे हैं, उस पर आपने पहले पेमेंट करनी है, या अलीबाबा से मंगवा रहे हैं, या जो है आप अमेजोन से मंगवा रहे हैं, या अली एक्सप्रेस से मंगा रहे हैं, तो आपने पहले वहाँ पर पेमेंट करनी होती है। अब पेमेंट करने के तरीके बहुत ज़्यादा हैं। आपको बैंक जो है, जितनी भी पाकिस्तान बैंक है, सब आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती हैं, बट उसके लिए आपका जो कार्ड है वो मास्टर्स का कार्ड होना चाहिए। पेपाल का कार्ड आपका नहीं चलेगा। पेपाल के कार्ड पे आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अपनी ओन नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके पास जो है मास्टर्स कार्ड है तो उस पर आप लोग अपनी जो है ना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब काफ़ी लोग परेशान हो गए यार, इस पर टैक्स वगैरह भी वो लगता है। जो मास्टर्स कार्ड है उस पर आपको तकरीबन 3600 या 3000 आपका सालाना टैक्स लगता है, लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हैं और आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं फ्री में, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग नया पेपे अकाउंट बनाएं। नया पेपे अकाउंट बना बिल्कुल इजी है, इजी वे से आप लोग वहां पे अपना अकाउंट बना सकते हैं। उसके बाद आपने बायोमेट्रिक करनी है। जैसे आप अपना अकाउंट बनाएंगे ऊपर आपको शो होगा अपग्रेड अकाउंट, तो अपग्रेड अकाउंट पे जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपने अपने ये फोर फिंगर से इसको स्कैन करना है, उसके बाद लेफ्ट राइट दोनों को करके आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपकी जो है ना वो हो जाएगी एक्टिव। उसके बाद आप खुद ही अपनी लिमिट बढ़ा सकते हैं, 5 लाख तक आप अपनी लिमिट ईजी वे से कर सकते हैं। तो 5 लाख तक फिर उसके बाद आप कर सकते हैं, पहले आपको बायोमेट्रिक करने की जरूरत पड़ेगी। इजी पैसा तो नया पे ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सादा पे भी है, लेकिन सादा पे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया। जहाँ तक मैंने सुना है यार, इसमें जो आपके अकाउंट में पेमेंट होती है वो खुद बहुत आपके अकाउंट से डिडेक्ट हो जाती है, आपको OTP नहीं आती। तो इसमें कितनी सच्चाई है मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा। बाकी नया पे तो मैं अकाउंट में यूज़ कर रहा हूँ, इससे मैंने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी की है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप लोग नया पे का अकाउंट ही यूज़ करें, वो आप लोगों के लिए काफ़ी जो है ना एक फ़ायदेमंद होगा। बाकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किसी और अगर आप बैंकिंग से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका फिर आपको पता है जो मास्टर्स कार्ड होता है उसका 3000 रुपये टैक्स होता है साल का, चाहे फिर कोई भी बैंक हो, किसी का ऊपर हो सकता है तकरीबन, इतना मैंने आपको एवरेज बताइए। तो बाकी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नया पे अकाउंट बना लें, नया पे से आप लोग ईजी वे से अपनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो लाइव पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए पॉपी है टेक लेक्चर आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप दोस्तों के लिए रेगुलर बेसिस पे वैसी वीडियो लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट में, तब तक रखें ख्याल। गुड बाय।